चलिए आपके पास देखे तो एक क्वेश्चन दिया गया है, बाई बराबर रूट एक्स अपे प्लस रूट एक्स इनफाइनाइट बार है, राइट। देखो ये सब क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है, इसी टाइप के आज के क्लास में थोड़ा विशेष हम लोग सभी क्वेश्चन के बारे में डील करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन अगर डील कर लोगे तो आपके लिए फिर कुछ बचेगा नहीं। मेन इसी पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे यही सब टाइप कुछ रहते हैं जो हूबहू आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएंगे, तो ये सब पैटर्न आगे पूरा इसको विश्लेषण के साथ पढ़ना हो। चलो कलम को भी रखो, बनाए के चक्कर में तो एक को पहले सीखो, बाकी जितना देंगे सब बनाओ। तो आपके पास पहले बाई बराबर रूट अंडर एक्स प्लस फिर रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस कितने बार है इनफाइनाइट, बताओ। दिमाग लगा के सोचो तो पहला काम तुम क्या कर सकते हो। तो यही आप लोग को नजर आ रहा होगा कि इधर रूट में दे दिया तो उधर कौच में चल जाएगा स्क्वायर में। तो एक लाइन लिख सकते हो कि दोनों तरफ यहाँ पर क्या करने पर, वर्क करने पर। अब देखो यहाँ पर वर्क करने पर दे देगा, और यहाँ क्वेश्चन है यदि बाई बराबर इतना तो डीवाई बटे डीएक्स बराबर क्या। अब बताओ दोनों तरफ वर्क करने पर, इसका मतलब वर्क करना स्क्वायर करना होता है, तो बताओ इधर वर्क करेंगे तो वाई स्क्वायर, लेकिन इधर वर्क करें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो एक्स प्लस रूट अब फिर एक्स अब प्लस रूट। बताओ डॉट डॉट टू कितने बार, इन्फिनिटी बार। अगर आप लोग को न लिखने का मन है न भी लिख सकते, लेकिन बताओ इतना तक दिमाग काम किया कि नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया, जस के तस आप लोग दिमाग में सेट करते हो कि रूट दे दिया तो इधर स्क्वायर में चले। बताओ एक्स है तो एक्स अब प्लस के चिन्ह, फिर रूट में एक्स आ गया, फिर प्लस के चिन्ह और फिर रूट अंडर एक्स। बताओ यहाँ तक सब लोग को समझ में आया कि नहीं है। लेकिन अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर रूट में कितने एक्स है, एक दो तीन गो, तीन गो ना है। अरे ओ यहाँ एक दो डॉट डॉट गिनेंगे तो अनगिनत है। बताओ यहाँ पर प्लस दे दिया है, प्लस में तो उस तरफ एक्स भेजेंगे तो बाई स्क्वायर अब बराबर माइनस एक्स, अब बाई स्क्वायर माइनस एक्स अब बराबर में क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर एक्स अब प्लस रूट एक्स अब प्लस टू कितने बार, इंफिनिटी। कम जोड़ कौन समझेगा, बताओ यहाँ पर वाई स्क्वायर ई प्लस में तो इधर माइनस में ई वाला सेम चीज लिख दी। बताओ यहाँ पर रूट में कितने एक्स है, अनगिनत बार। तो बताओ यहाँ पर अगर कई मूर्खवन के लगेगा एक दो तीन, तो बताओ यहाँ पर भी क्या है, एक दो तीन, क्या ऐसा बात है, नहीं। यहाँ पर डायरेक्ट सोचो एक दो तीन तो अनगिनत बार, तो यहाँ पर भी अनगिनत बार, एक को समझो बाकी सब बनाओ। अब बताओ यहाँ बाई स्क्वायर और माइनस एक्स, तो इसमें भी अनगिनत बार और इसमें भी डॉट डॉट अनगिनत बार, तो बताओ अनगिनत वाला को हम लोग क्या कहते हैं, तो बताओ इतना को तुम क्या कहो। अब बताओ इस प्रकार के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन बनाने के लिए दिया जाए, क्या आप लोगों से बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है तो इसी चीज को अब आप लिख सकते हो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सुनिए अब इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तब बताओ इतना के मतलब क्या होता है, डी बाई स्क्वायर माइनस एक्स अब बटा डी बाई बटे कुछ हो जाएगा डी एक्स, और इधर भी डी अब बाई अब बटा डी एक्स। अरे जिनको पता नहीं चल रहा वो देख लो, यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, अगर यहाँ रूट दे दिया तो इधर कर देते स्क्वायर में चलाया, और यहाँ पर एक्स है प्लस में तो इस तरफ माइनस में हो गया, ये वाला जस के तस लिख दिया। अनगिनत बार एक्स है तो उसको वाई कहते हैं, इसमें भी अनगिनत बार एक्स है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेम चीज रिपीट कर रहा है। अब बताओ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब सोचो तो यहाँ पर डीवाई बटे डीएक्स लगाएंगे, यहाँ पर भी डीवाई बटे डीएक्स, अब बताओ इसको अलग अलग करने आता है कि नहीं आता है, जब इसको अलग अलग करेंगे तो बताए यहाँ डी वाई स्क्वायर अब बटा में क्या रहेगा डीएक्स माइनस, बताओ डीएक्स बटा डीएक्स, इधर क्या बच गया, तो बताए डी बाई अब बटा डी एक्स। किसी लोग को कोई यहां तक डाउट है तो बोल सकते हो, कोई डाउट। अब सोचो यहाँ डी एक्स बटा डी एक्स का मान क्या होता है, क्या होता है ओवर, लेकिन अब बताओ यहाँ बाई में स्क्वायर यहाँ एक्स, डिफरेंशिएशन हो सकता है,
डिफ्रेंसिएशन करने के लिए डी वाई स्क्वायर नीचे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अब सोचो यहाँ तुम डी वाई बनाओगे तो ये गलत है कि सही है? गलत है। अरे सही करने के नीचे वाला कहाँ लिखने पड़ेगा? तब बताओ डी वाई अब बटा क्या रहेगा? कमजोर कौन समझेगा? डी वाई से डी वाई कैंसिल, तब बताओ डी वाई स्क्वायर अब बटा में क्या बच जाएगा? कोई बात है, बताओ dx बटा dx का वैल्यू 1, अब फिर dy बटे dx। अब सोचो यहाँ पर ये दोनों जब मिलेगा तो बताओ माथा पर वाला पटक देंगे तो क्या आएगा? 2y इंटू dy बटे dx। अब बताओ इतना के बाद माइनस 1 और इधर क्या होगा? dy बटे, एक छोटा सा काम मैं करने जा रहा हूँ, ये प्लस में दे दिया तो उधर कौचे भेजेंगे, तो अब सोचो यार 2y इंटू डी वाई, अरे बताओ ये प्लस में तो उधर, तब माइनस डी वाई अब बटा डी एक्स अब बराबर में ये प्लस में तो कि माइनस में, माइनस में तो प्लस में, बताओ कुछ नजर आ रहा है कॉमन पॉइंट? अब बताओ ये दोनों में से जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? तो कॉमन लेने पर आप लोग को नजर आ रहा होगा कि dy बटे dx, अब फिर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 2y माइनस 1, तब बताओ 2y अब माइनस 1 अब बराबर में क्या बच गया? 1। लेकिन सोचिए dy बटे dx बराबर क्या होगा? 1 बटा 2y अब माइनस 1। अब सोचो इतना तक में किसी लोग को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। पहले इस तरह से विस्तारित रूप से हम लोग देख लेंगे, बताओ अब छापने की आवश्यकता है, किस टाइप के क्वेश्चन को बनाने की आवश्यकता है? तो इस क्वेश्चन को अब तुम छोड़ो, और जिसको लग रहा है कि नहीं सर इस जन्म में हमारा संभव नहीं उछापो, और जिसको लग रहा है कि नहीं सर हम बना सकते हैं तो अगला मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसे बनाओ। क्वेश्चन आपके पास है रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, कितना बार? इन्फिनिटी बार। क्या बनेगा आप लोगों से? जल्दी बनाइए, तुम चमक रहा है, लोग चमकना चाहता है, तुम चमक रहे हो। अच्छा बोलो और बार दे, चलिए बहुत अच्छा। चलिए अब सही, जल्दी छाप लीजिए साहब, और जिनको लग रहा है कि हम बना सकते हैं वो जल्दी बनाओ, आपको एक मिनट का समय दे रहा हूं। बन गया, एकदम बर्दाश्त करें, ये सब बन जाए तो एकदम तुरते फुल फॉर्म में आ जाए। लग रहा है कि एकदम साहब वो वाला पहुंच जाएगा आंसर तक, देख लेता हूं। चलिए जे अगर समझ गए हो उनका तो अब आंसर के नजदीकी वाला क्वेश्चन पहुंच गया होगा। अच्छा देख लेता हूं, अब मिटा सकते हैं ना? चलिए नहीं मिटा रहे तो आराम से लिख ले रहे थे। चलिए अब सभी लोग का ध्यान इधर होना चाहिए, ध्यान दीजिए,
अब यहाँ पर आपके पास बाय बड़ा रूट अंडर साइन तो ऐसे क्वेश्चन देगा, तो लॉन्ग मेथड तो आप लोग समझ गए हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन क्या था, कोई भी क्वेश्चन दे देगा जैसे बाय बराबर आपके पास तो रूट अंडर एक्स कितने बार था, इनफिनिटी बार। इसका डीसी जानते हैं क्या होगा, डिवाइडेड एक्स बराबर वन बटे टू बाई माइनस। आप लोग कहिएगा कि देख के लिख दिए हैं सर बोर्डवा पर से, अरे बताओ इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे डिवाइडेड डीएक्स बराबर क्या आएगा, तो कॉस एक्स बटा टू बाई माइनस। बताओ यहाँ पर बाई बराबर रूट अंडर टेन एक्स प्लस रूट अंडर टेन एक्स प्लस रूट अंडर टेन एक्स प्लस टू कितने बार, इन्फिनिटी बार। अब सोचो इसका डिवाइडेड डीएक्स बराबर क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स बटा टू बाई माइनस। केवल यही समझ लेना है कि ये तो आ जा रहा है लेकिन कैसे आएगा ये जान लेना। बताओ ये पता चल जाएगा आप लोग, तो अब पूरा ईमानदारी से देख लो, अगर देख लोगे याद कर लोगे तो तुमसे कोई भी क्वेश्चन मिनटों का क्वेश्चन सेकंडों में बने। देखिए आपके पास अब एकदम इसका हाईटेक मेथड पर ध्यान देना है। कहता है यदि बाई बराबर रूट अंडर क्या साहब, तो एफ एक्स प्लस रूट अंडर एफ एक्स प्लस रूट अंडर एफ एक्स टू कितना बार, इन्फिनिटी बार। जब ये इन्फिनिटी बार रिपीट करेगा तो dy बटे dx बराबर क्या, तो पहले दिमाग में बात हटाओ, बार बार क्या रिपीट कर रहा है, कौचे जो बार बार रिपीट कर रहा है उसका तुम लिख दो कौचे डीसी। तो f का डिफरेंशिएशन fx वाला के क्या होगा, f डैश x, ये डैश लगने से ये डिफरेंशिएशन का संकेत है। अब फिर नीचे क्या होगा 2 बाय माइनस फोर, इतना जिसका क्लियर सब काम के। तो अब बताओ यहाँ डी बाई अब बटा डी, देखो तो बार बार क्या रिपीट कर रहा है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कॉस एक्स और नीचे टू बाई माइनस फोर। क्या सर बहुत भारी था, अब यहाँ पर हमने क्या किया हो, बार बार क्या रिपीट कर रहा था टेन, तो बार बार टेन जब रिपीट कर रहा है ये कितना बार जा रहा है, इन्फिनिटी बार। तो अब बताओ टेन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सेक स्क्वायर और फिर टू बाई माइनस, कब जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन, अब कोई क्वेश्चन दे अब तुमसे बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसनो क्वेश्चन रहेगा साहब अब आप बना सकते हो, तो एक क्वेश्चन देकर ट्राई कर दे, सभी लोग बना सकते हो, देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, ये हमें लगता है कि किसी स्टूडेंट से नहीं बनेगा सर। क्वेश्चन है यदि बाई बराबर रूट अंडर एक्स के पावर एक्स रूट अंडर एक्स के पावर एक्स रूट अंडर एक्स के पावर एक्स टू कितने बार, इन्फिनिटी बार। क्या बना सकते हो, जल्दी बनाइए, तो जल्दी बनाइए एकदम जितना शॉर्ट बन सकता है। बन गया जी, एकदम मिनटों का क्वेश्चन सेकंडों में बनाओ, लगना चाहिए कि 10 सेकंड से 15 सेकंड के अंदर में कोई भी आंसर आ जाए। बन गया, चलिए अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, जिनसे नहीं बना है वो पूरा ईमानदारी से इधर ध्यान देंगे। देखो हमने इसमें कोई नया काम नहीं किया, यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूं dy बटे dx। बताओ कितना हूं, कोई कम जानता होगा तो इतना तो जरूर मालूम होगा कि नीचे 2y और माइनस क्या होगा, इतना तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। बताओ बार बार क्या रिपीट कर रहा है, एगो नियम बताए है, यहाँ पर नियम बताए थे कि यदि y बराबर ux के पावर vx, तो बताए एक dy बटे dx बराबर क्या बताए थे, जस के तस। अब फिर कहता है कि ऊपर वाला ऊपरे और नीचे वाला नीचे, अब बताए नीचे वाला के डीसी, फिर ऊपर वाला के
तब भी डैश एक्स अलॉक के साथ है कौन वाला नीचे वाला यू एक्स। देखो ये सब पैटर्न आपके पास रहेगा तो आप सभी विद्यार्थियों से अलग बन सकते। अब बताओ यहाँ पर इसका डीसी करे तो आगे कहता है जस के तस तो एक्स के पावर एक्स, फिर कहता है ऊपर वाला ऊपरे और नीचे वाला तो यहाँ ऊपर में एक्स और नीचे में एक्स गुना नीचे वाला के डीसी प्लस के चिन्ह, फिर ऊपर वाला के डीसी तो वन लॉग के साथ कौन रहेगा तो एक्स। बताओ बड़ी भारी था। अब इसी को एक लाइन और बढ़ा के और सजा के लिख सकते हो एक्स के पावर एक्स इसे ई कैंसिल हो गया तो बताइए क्या हो। तो अब तुम बता सकते हो कि ई बचा ओ वन अब प्लस क्या बचा तो लॉग एक्स अब बटा में क्या होगा टू बाई माइनस वन। बताओ ये बहुत भारी चीज था कि बहुत आसान चीज। बहुत आसान चीज था। तो ये सब पैटर्न आप लोग अगर क्लियर कर लोगे तो आप लोग को कोई कंफ्यूजन और कोई दिक्कत नहीं हो, कोई डाउट। अब इतना के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तब उसको आप लोग को ध्यान देना हो और ये सब पैटर्न को अगर ध्यान दे दोगे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक अगला क्वेश्चन दें आप बना दीजिएगा, उसको पहले लॉन्ग में बनाकर देखना है फिर शॉर्ट में बनाकर देखना है, जैसे पूछ दे वैसे बनाने में सक्षम होना चाहिए। तो अब आपके पास अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन है ये छापने का भी मन कर रहा है। क्वेश्चन है यदि y बराबर x के पावर y बराबर x के पावर x के पावर x के पावर 2 कितना बार इन्फिनिटी बार तो dy बटे dx बराबर क्या हो। तो dy बटे dx बराबर क्या हो, क्या आप बना सकते हैं जल्दी बनाइए। तो यदि y बराबर x के पावर x डॉट डॉट टू इन्फिनिटी बार तो dy बटे dx बराबर क्या हो। चले बना दिए सभी लोग, एकदम आसान तरीका है साहब इसका बनाने का। चलिए देख लेता हूं अब आप लोग सही बनाए हो कि गलत बनाए हो। अब ध्यान दीजिए इधर, पहले इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे देता हबड़ाना कभी नहीं, एकदम आसानी से चलो। बताओ पहले इसको सोल्व करने में चलेंगे तो y इक्वल टू x के पावर डॉट डॉट टू कितना बार है। अब सोचो यहां पर x के पावर कितने x, तो अनगिनत x। पहले दिमाग में कंसेप्ट बताओ, अभी ई वाला जो एक्स दिया गया इसके पावर कितने एक्स, तो अनगिनत एक्स। सब बताओ अगर इसको हम तोप दिए तो बताओ ऊपर वाला जो पावर में है उसके पावर कितने एक्स, तो बताओ इसके पावर भी अनगिनत और इसके पावर भी अनगिनत, तो अनगिनत वाला को हम लोग क्या मान लेते हैं। ये बात पहले समझ में आया कि नहीं भाई, अगर मन हुआ कि इतना के झाप के एक इसको बाई मान ले, मान सकते कि नहीं मान सकते, तुम किसी को मान सकते। अब जब ये अगर बाई हो जाएगा तो बाई बराबर एक्स के पावर वाई। अब बताओ दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। देखो पहले इमान चलो जी, जो लिख रहा है वो छोड़ो, मोह माया मत रहो, लाद के ले जाने वाला नहीं हो, कितना तुम समझे वही तुम्हारे लिए है। यहाँ पे छापोगे एक आध लोगों के देखते हैं मूर्खाना देशन छापते रहता है, बोले इधर समझो। अब यहाँ बाई बराबर एक्स के पावर वाई दे दिया तो दोनों तरफ तुम क्या ले लो लॉग। अब सोचो यहां एक लाइन में लिख रहा हूं दोनों तरफ क्या लेने पर लॉग लेने पर, कई लोग कह रहा है लॉन्ग लेने पर, लॉन्ग और मिचाई लेने से कुछ नहीं होगा, लेने पर। अब सोचो यहां पर जब लॉग हम लोग ले लेंगे तो लॉग का कुछ नियम जानते हो,
पहले लिखने दो, उसके बाद नियम बता रहा हूँ। बताए इधर लॉग ले लेंगे तो लॉग बाई, इधर लॉग ले लेंगे तो लॉग एस के पावर बाई। बताओ इतना सभी लोग को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना तो सब लोग क्लियर हो गया होगा। छोटी से नियम जो बार बार मैं बताते रहता हूँ, यहाँ पर अगर लॉग एन के पावर के दे दिया तो माथा पर वाला पटक देते तो के आ लॉग ए। लेकिन कई लोग क्या समझ जाता है कि पटका पटके जिधर आ गया था तुरंत समझ ला कि लगाओ की डिफ्रेंसिएशन हो गई। लेकिन क्या डिफ्रेंसिएशन हो जाता है? नहीं, ये डिफरेंशिएशन थोड़ी क्यों हो रहा है। यहाँ पटक देते हैं तो लॉग का रूल है। जैसे यहाँ पर लॉग अगर मान लिया जाए x के पावर साइन x दे दिया जाए तो बताओ तुम क्या करेंगे? तो इसको माता आर्गुमेंट के पावर रहेगा तो आगे चलाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? साइन x इंटू लॉग x। अब तो कुछ बात समझ में आ रहा हो? तो इसी पैटर्न के माध्यम से अब आप समझ गए हैं। तो अब इसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ। देखो तो यहाँ पर लॉग बाई, बताओ माथा पर वाला पटक देंगे तो क्या हो जाए? बाई अ लॉग एक्स। किसी लोग को कोई दिक्कत? अब सोचो इतना जब आ गया तो इसके बाद तुम क्या करोगे? तो ओनली फॉर डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब बताए एक लाइन में लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बताओ डिफरेंशिएट करने का अर्थ आप क्या समझते हो? दोनों तरफ डी बाई बटे डी एक्स लगाना। अब बताओ यहाँ पर d अलाउ, अब by, अब बटा क्या रहेगा? dx। अब सोचो इक्वल टू d, यहाँ by अलाउ x, अब बटा dx। सोचो तो यहाँ पर log का डिफरेंशिएशन बनाने के यहाँ by, तो यहाँ by होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब तक नहीं रखेंगे तब तक बनेगा? तो अब बताओ d अलाउ, तो तुम यहाँ पर क्या बनाओगे? अब बताओ यहाँ पर जब बाई हो गया तो नीचे वाला को ऊपर तुम बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बनाओगे। तो अब सोचो डीवाई बटे क्या होगा? अब बराबर का चिन्ह दे। बताओ कुल मिला के यहाँ कितने आइटम? नियम हम लोग का क्या है? पहल का बाहर दूसर का अंदर, दूसर का बाहर पहल का। अरे बताओ बाई बाहर तो डी लॉग एक्स, अब बटा क्या होगा? डी एक्स प्लस के चिन्ह अंदर वाला, लॉग एक्स बाहर, डीवाई बटे। किसी लोग को कोई डाउट हुआ, कोई तकलीफ हुआ, कोई दिक्कत हुआ तो बोल सकते हैं। अरे विद्या भारती चल देख इधर, तो तुरंत टोपा तो ऊपर नीचे करेगा। सुनिए अब बताइए यह दोनों जगह अगर बाई मिल रहा है तो इसको क्या करेंगे? तो वन बटा बाई, अब बताए डीवाई बटे। अब सोचो यहाँ पर बाई इंटू दो आए? अब बताओ यहाँ पर ये दोनों मिलेगा तो बताओ मिला तो जो मिलेगा ओकरा ओ वन के बटा में, तो यह एक्स मिला तो क्या लिखेंगे? ओ वन बटा एक्स। अब प्लस इसके बाद आप क्या कीजिएगा? तो लॉग एक्स इंटू डी वाई बटे। कोई डाउट? अब इतना के बाद हम लोग सोचते हैं कि डी वाई बटे डी एक्स वाला को अगर एक तरफ कर दे तो आगे आसान हो। बताइए यहाँ पर ओ वन बटा बाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स, बताइए प्लस में तो इस तरफ, तो लॉग एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या होगा? बाई बटा एक्स। बताओ दोनों में क्या कॉमन है? डी वाई बटे डी एक्स। जब डी वाई बटे डी एक्स आप कॉमन ले लेते हो तो बताओ ये क्या बचेगा? ओ वन बटा बाई आ माइनस लॉग एक्स। इक्वल टू में देखो तो क्या है? बाई बटे एक्स। इतना तक में किसी को डाउट? इतना के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ पॉइंट्स को आप लोग को देखना हो। बताओ एलसीएम आप ले सकते हो, तो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर डी बाई अब बटा डी एक्स। बताओ एलसीएम जब ले लेंगे तो क्या बचेगा? बाई। तो अब बताओ यहाँ पर बाई ओ वन माइनस इससे गुना करो बाई लॉग एक्स, तो अब यहाँ पर बाई लॉग एक्स बराबर में क्या होगा? बाई बटे एक्स। तो अब यहाँ पर बाई अब बटा में क्या हो गया? बताओ डी बाई बटे डी एक्स बराबर क्या आने वाला है? बाई गुना बाई, तो बाई गुना बाई बाई स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पर एक्स, तो एक्स लिख देंगे। बताए एक गुना में तो कौची में चल जाएगा, तो ओ वन आ माइनस बाई अलाउ एक्स। अब सोचो इस पैटर्न के माध्यम से अगर आप सोच लिए
तो एक क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आप लोग को देंगे क्या छूटेगा, इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में भी बनाने का मेथड है। लेकिन अभी नहीं, एक को पहले अपने से लॉन्ग बनाओ, उसको सीखो, तब फिर शॉर्टकट विधि, अन्यथा शॉर्ट मारोगे तो नंबर में भी शॉर्ट हो जाए। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं। बाई बराबर साइन एक्स के पावर टू कितना बार, इन्फिनिटी बार, क्या आप बना सकते हो? जल्दी बनाइए। तो साइन एक्स के पावर कितने बार, टू इन्फिनिटी बार। जल्दी लिखिए। चलिए आप लोग जल्दी लिखिए। अब इसे मिटाया जाए। चले इधर लिख लिया सभी लोग। चलिए अब सभी लोग से ई वाला क्वेश्चन को अगर लॉन्ग में बनाना रहे, अब इसका मेथड के अनुसार तुम बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? बना सकते हो, लेकिन अगर इसी को शॉर्ट में बनाना दे दे तब तो कुछ हावड़ाना नहीं है। डायरेक्ट आगे एक मेथड देख लो, और इस मेथड के माध्यम से अगर सोच लोगे तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन बन जाए। पहले यदि बाई बराबर यहां पर एफ एक्स इसका पावर अगर दे दिया जाए, एफ एक्स इसका पावर दे दिया जाए एफ एक्स, और टू कितने बार, डॉट डॉट इन्फिनिटी बार। एकदम आसान प्रोसेस है साहब, बताओ यहां पर अगर इतना दे देगा तो डीवाई बटे डीएक्स बराबर क्या हो, क्या बता सकते हैं आप लोग क्या होगा? बाई स्क्वायर एफ डैश एक्स, अच्छा बटा में क्या होगा, यहाँ पर एफ डैश एक्स की एफ एक्स, एफ एक्स, अब फिर यहाँ पर इंटू ओ वन माइनस बाई इंटू लॉग एफ एक्स। सुनिए इतना अगर आपका दिमाग काम करेगा तो तुरंत भनाभन क्वेश्चन को बना सकते, बताओ इतना काम सभी लोगों को करेगा। अब इतना के बाद इस क्वेश्चन को जब बनाते हैं तो बताइए, अब देखिए तो dy बटे dx, पहले तो आपका पहले वाला क्वेश्चन पर थोड़ा संतुष्टि जता देते हैं,
जैसे देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था यदि y बराबर x के पावर 2 कितना बार। सुनिए अब तो दिख रहा होगा, देखिए तो अब यहां पर आपके पास क्या दिया हुआ है, यदि y बराबर x के पावर 2 कितना बार, इंफिनिटी बार। अब सोचो इंफिनिटी बार दे दिया तो dy बटे dx बराबर आप क्या बता सकते, बताओ, बड़ी भारी चीज बता रहे हैं। तो कहता है यहां पर y स्क्वायर, तो y स्क्वायर लिख दीजिए, बताओ बार बार क्या रिपीट किया है। तो बार बार जब fx रिपीट करता है तो बताइए, जब यहाँ fx रिपीट किया तो उसका dc, तो बताओ बार बार अगर x रिपीट किया तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो यहाँ पर ओवन अब बटा दे दी, बताओ बार बार रिपीट किया fx, तो यहाँ पर लिखे fx, तो बताइए fx के जगह पर बार बार रिपीट करने वाला कौन है, ओवन माइनस बाई इनटू लॉग, यहाँ पर बार बार रिपीट किया fx, तो यहाँ लिखे fx, बार बार रिपीट कर रहा x, तो यहाँ क्या लिखेंगे x, देखिए तो यही आंसर y स्क्वायर ऊपर है, अरे y स्क्वायर गुना 1 तो फिर तो y स्क्वायर है। अब बताइए यहाँ x है तो आप क्या दीजिएगा, x o1 minus by log x। अब बताओ यही क्वेश्चन को अगर एक लाइन में बनाना रहेगा क्या आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते, तो सब चीज आप लोग की चुटकी भर का खेल है, लेकिन समझोगे तो, और नहीं समझोगे तो गड़बड़ा जाए। अब बताओ जो यहाँ नहीं समझा, यहाँ पर तुम क्लियर कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बताओ इतना दे दिया और इसको आप डायरेक्ट डीवाई बटे डीएक्स वाला लिखना चाहते हैं, तो आगे क्या करोगे, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर अजय बार बार रिपीट कर रहा है उसका डीसी, तब वाई स्क्वायर बार बार क्या रिपीट कर रहा है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉसेक्स नीचे, बताओ बार बार रिपीट किया एफएक्स तो क्या लिखे, तो बार बार रिपीट कर रहा है साइन तो क्या लिखे। देखो कई लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं, यहाँ डिफरेंशिएशन करके लिखा हुआ है और यहाँ विदाउट डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। अब बताइए यहाँ विदाउट डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, अब ओ वन माइनस अब बाई उसके बाद लॉग, बताओ यहाँ पर एफ एक्स बोला तो एफ एक्स का काम क्या करेगा, तो अब बताइए साइन एक्स, इतना अगर बना लेते हैं तो आप लोग का साहब एक पन्ना बच जाएगा, अगर नहीं बनाएगा तो आपका। अब इसी को कॉस बटे साइन आप कॉट भी कर सकते हो, तो वो आपकी अपनी अब इच्छा और अपनी मर्जी से चलोगे। अब बताओ इसी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन अब दिया जाए, क्वेश्चन है यदि y बराबर टेन एक्स इसका पावर टेन एक्स इसका पावर टेन एक्स, अब बताओ टू इन्फिनिटी बार, बताओ dy बटे dx आप लोगों से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बना सकते हैं, जल्दी बनाइए तू, अब तो आप सेकंड में बनाएगा साहब मिनटों का क्वेश्चन, आप लोग को लिखने में अभी इंसल्ट ही लग रहा हो ना, तब बना भी दिए, अरे आप लोग सुपर इससे भी ऊपर क्लास के स्टूडेंट हैं। चलिए बताओ क्या बहुत भारी क्वेश्चन है, एकदम आसान है साहब, जिनसे नहीं बना है अब ध्यान दीजिए, पहले आप क्या करोगे, देखो समय इस समय लगे मत करो, बार बार अब रिपीट कर रहा है तो एफ एक्स का डीसी क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, तो पहले बाई स्क्वायर टेन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स, अब बटा बताइए बार बार रिपीट किया एफ एक्स तो यहाँ लिखे एफ एक्स, बार बार रिपीट किया टेन तो यहाँ क्या लिखोगे, पहले हम पूरा इसका बेस को पकड़ो, फिर ओ वन माइनस बाई तो ओ वन माइनस बाई, अब देखिए तो लॉग के साथ है क्या रहेगा, तो यहाँ पर लॉग बार बार रिपीट किया था एफ एक्स, तो बताइए यहाँ पर क्या लिखे एफ एक्स, तो बार बार रिपीट किया टेन तो क्या लिखोगे टेन, अब सोचे इतना के बाद अब आप लोग को बनाने में कोई डाउट होगा नहीं, अब क्वेश्चन को आप भना भन बना सकते हो, इतना के बाद एक और थोड़ा सा टाइप बता देंगे तो आपको बताता हूं कि कोई भी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझ गए ना, हद तो यहाँ हो जाता है कि क्वेश्चन ये सब जो बता रहा हूँ ना ये आप बारहवा क्लास के स्टूडेंट या बारहवा में टीचर जो बनने आएगा ना
कि दोनों लोग के लिए ये महत्वपूर्ण है। जो 12वां में स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है, तुरंत टीचर बनने का भी, टीचर लोग का भी एग्जाम है जो एमएड करके आते हैं। आप लोग से 5-6 साल 10 साल 20 साल के बड़े बड़े लोग रहेंगे और वो भी एग्जाम देने जाएंगे। और उन लोग को साहब यही क्वेश्चन सेम इसी टाइप का, केवल आप लोग को लॉन्ग में रहेगा तो उन लोग को शॉर्ट में रहेगा, आप लोग को ऑब्जेक्टिव रहेगा तो पता चलेगा कि गुरु जी के भी, अरे गुरु जी के तो नहीं तुम लोग पढ़ के पास हो गए, लेकिन कई लोग को ऐसा रहेगा कि जो हाई स्कूल में साहब या प्लस टू लेवल के स्कूल में जाके वहां 12वां के टीचर बने, तो उन लोगों को भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चनों से वो टीचर बने। और आप भी 12वां पास करोगे तो कोचिंग से, तो ये सब क्वेश्चन। तो अब सुनिए, अगला क्वेश्चन एगो देता हूँ, अगर वो बना दिया तो समझो कि सब लोग का एकदम लक्षण सही रहा। क्वेश्चन है आपके पास, देखिए क्वेश्चन है, यदि y बराबर x प्लस 1 बटा x प्लस 1 बटा x टू कितने बार, इनफिनिटी बार, तो dy बटे dx बराबर क्या होगा, क्या बना सकते हैं? अब देखिए आगे मैं समझा दे रहा हूं, बता दे रहा हूं, तब अगला बनाना है। देखो देखो तुम लोग फिर बर्दाश्त करो, हवड़ा जाते हो। पहले देखो तुम लोग के पास इतना अथाह ताकत है कि तुमने तुरंत कहता है रुके दिखा देते हैं। सुनिए, लेकिन होता होता कुछ नहीं। अरे ध्यान दीजिए, अब यहां पर y बराबर x प्लस 1 बटा x प्लस 1 बटा x डॉट डॉट कितने बार है जी, इन्फिनिटी बार। रे अब सोचो इन्फिनिटी बार दे दिया तो इसको कैलकुलेशन कैसे करना है? यहां पर बताओ x आप प्लस से शुरू हुआ और x प्लस 1 बटा x प्लस, बताओ x के बाद प्लस, यही सेम चीज यहां पर मिल रहा है। x आ इसके बाद यहां देखो तो x प्लस 1 बटा x, तो यहां झांप दो तो वही चीज नजर आ रहा है। इसका मतलब इसको आप क्या कह सकते हैं? तब बताइए y बराबर x प्लस 1 बटा y, इतना के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो एकदम आसान ही आसान। बताइए y एलसीएम लेने आता है, बताइए एलसीएम में क्या आ जाएगा, गुना कीजिए तो क्या आएगा, एक्स वाई अब प्लस 4। अच्छा देखिए तो y गुना y, तब y स्क्वायर अब एक्स वाई अब प्लस क्या हो जाएगा, किसी लोग को कोई डाउट, पता चल रहा है? अब सोचिए यहाँ पर इससे गुना के तो y स्क्वायर एक्स वाई अब प्लस क्या आ गया। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सोचो तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब दोनों तरफ dy बटे बताए dy स्क्वायर अब बटा dx और यहाँ dxy अब प्लस 1 अब बटा dx। अब इसी चीज को अब अगले लाइन में बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर y स्क्वायर को यहाँ पटकने के लिए यहाँ y है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो अब सोचे तो dy स्क्वायर तो यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिए। अरे अब देखिए यहाँ पर dy बनाए, इस सही है कि गलत है, गलत है। इसको सही करने के लिए नीचे वाला कहाँ गुना करना पड़ेगा, ऊपर, तो बताए dy अब बटा क्या रहेगा, किसी लोग को कोई डाउट? अब सोचिए यहाँ पर dy स्क्वायर ये dx था तो dx भी दोनों कैंसिल हो जाएगा तो सेम चीज आ जाएगा। अब बराबर के चीज बताइए, इतना के बाद तुम अलग अलग कर सकते हो, बताइए तो इसे अलग अलग करेंगे तो dxy अब बटा क्या रहेगा dx और d1 बटा dx, बताइए इसको माथा पर वाला पटक देंगे तो 2y * dy बटे dx। अच्छा कुल मिला के कितने आइटम है, दो आइटम, नियम जानते हैं, पहल का बाहर दूसर का, तो बताए एक्स बाहर तो डीवाई बटे अब प्लस वाई बाहर तो डीएक्स बटा। अब बताइए कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या, सर बहुत भारी था, एकदम आसान। अब सोचिए यहाँ पर 2y * dy बटा dx, अब सोचो तो यहाँ पर x और dy बटे dx जस का तस आगे लिख देते, अब प्लस ये दोनों जो नजर आ रहा है क्या हो जाएगा, अब बताए ये o1 आ जाएगा
तो बताए यहाँ पर ओ वन जे आ रहा है तो ई तो क्या ओ वन गुना बाई क्या हो जाएगा भाई। अच्छा डीवाई बटे डी एक्स वाला को एक तरफ लिख सकते हो, तो एक तरफ जब लिखेंगे तो टू बाई इंटू डीवाई बटे, अच्छा उधर प्लस में तो बाउंड्री लाइन के बाहर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो बताए माइनस एक्स और डीवाई बटे बराबर में क्या रहे, किसी को दिक्कत बताइए दोनों में क्या कॉमन होने वाला है, डीवाई बटे और डीवाई बटा डी एक्स। अब देखो टू बाई माइनस एक्स बराबर क्या होगा, अच्छा एक गुना में दे दिया तो कुछ में चल जाएगा, तो अब आप लोग के पास नजर आ रहा होगा कि डी बाई बटा डी एक्स बराबर बाई बटा क्या हो टू बाई माइनस एक्स। देखिए तो कहूं पर कोई कंफ्यूजन हो रहे हैं, लेकिन क्या इस क्वेश्चन को छापो कि अगला क्वेश्चन बनाओ, तो अगला क्वेश्चन आपके पास मैं देने जा रहा हूं एकदम आसान। जो क्वेश्चन है यहां पर साइन एक्स प्लस वन बटा साइन एक्स प्लस वन बटा साइन एक्स टू कितने बार इन्फिनिटी बार, तो डीवाई बटे डी एक्स बराबर क्या हो, क्या बनेगा आप लोगों से जल्दी इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, जल्दी बनाइए। तो क्या बनेगा आप लोगों से जल्दी बनाइए साहब, चले ये वाला क्वेश्चन आप लोग से बनेगा अब कि नहीं बनेगा सर, एकदम बनने की कगार पे पहुंच गया, जल्दी लिखे। तो अब जब लिख लिए हैं तो अब धीरे धीरे मिटा दे रहा हूं, चलिए अब ध्यान दीजिए इधर। यहां पर आपके पास क्वेश्चन किस टाइप का था, यदि y बराबर fx प्लस 1 बटा fx प्लस 1 बटा fx और डॉट डॉट कितना बार टू इंफिनिटी बार, इतना दे दिया तो dy बटे dx बराबर क्या हो, तो डायरेक्ट इसका नियम मारेंगे y इंटू a प्लस एक्स अब बटा टू बाई माइनस एफ एक्स। सुनिए अगर इतना आप अप्लाई करोगे तो मिनटों का क्वेश्चन सेकंडों में बनेगा। जैसे आपके पास एग्जांपल के रूप में y बराबर x प्लस वन बटा x प्लस वन बटा x प्लस टू कितने बार इनफिनिटी बार, तो बताइए dy बटे dx बराबर क्या होगा जी। पहले तो यहां पर y तुम लिखोगे, बताओ बार बार रिपीट किया एफ एक्स तो इसका डिफरेंशिएशन यहां लिखे हैं, तो बार बार क्या रिपीट किया है तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन। अब नीचे क्या कहता है कि टू बाई, तो यहां पर टू बाई माइनस एफ एक्स रिपीट किया तो एफ एक्स लिखे, देखो डैश और एफ एक्स में अंतर है, यहां पर इसमें लिखे ऊपर डी सी डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, अब बताओ यहां पर क्या है एफ एक्स तो एफ एक्स है, तो बताओ एफ एक्स के जगह पर आपका क्या आ रहा है एक्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे एक्स,
देखो तो बार बार एक्स था तो इसका आंसर क्या था आपका लॉन्ग में बनाए थे तो y बटा 2y माइनस x, सेम वही चीज आ रहा है। अब इसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, y बराबर इतना तो बताए dy बटे dx बराबर क्या, आप लोग को बताने पड़ेगा। कहता y into बार बार यहाँ पर रिपीट किया fx, तो f डैश x, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, और नीचे 2y माइनस यहाँ पर बार बार रिपीट किया fx, तो आपने क्या लिखे हो fx, तब बताए यहाँ पर बार बार रिपीट किया sin x, तो यहाँ लिखे sin x। इतना तक में आप लोग को दिक्कत है तो बोल सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, जब इतना तक आप लोग का क्लियर हो गया तो अब आगे थोड़ा विशेष ध्यान देना है।